यहाँ एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर सब एन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, चारों। और इनको क्या करना है हमें, इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें इसके, हमें जो है इनके करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, हम जानते हैं, पॉजिटिव से ज़ीरो और ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ कोई चीज़ जाती है फिर डिक्रीज होती है। यानी हमें पहले पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो ज़्यादा होती है उसको पहले रखना होगा, फिर अगर ज़ीरो हुआ तो वो रखेंगे, और नहीं तो नेगेटिव के जो है हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम HNO3 में चेक करेंगे। तो HNO3 में क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम सब जानते हैं, ये H2O से टूटता है, तो इस पर 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन पर 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2 नेगेटिव होती है हमारी जनरल कंडीशन में, ठीक है। और हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड तभी बनता है जब जब उस पर ओवरऑल यानी टोटल जो है चार्ज क्या हो, ज़ीरो। जैसे यहाँ पर हमने देखा H2O के लिए क्या देखा हमने, H2O ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, क्योंकि दो हाइड्रोजन से वो क्या करता है अपनी तरफ बॉन्ड को, अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है ये, ठीक है। तो इस तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है तो इस पर 2 नेगेटिव और इन पर 2 पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव दो हाइड्रोजन पे और इस पर 2 नेगेटिव, और दोनों से पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल तो ओवरऑल ज़ीरो। यानी हर जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, ओवरऑल ज़ीरो होता है, हम इतना जानते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ हमारा आंसर निकालना शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर HNO3 में देखें तो ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन पे क्या होता है 2 नेगेटिव, तो 3 पर कितना होगा 6 नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 6 नेगेटिव, ठीक। हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव। अभी मैंने कहा कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, ज़ीरो, और ओवरऑल ज़ीरो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 नेगेटिव से 6 पॉजिटिव काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 नेगेटिव है हाइड्रोजन पर, 1 पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या होगा, 5 पॉजिटिव होगा, ठीक। तभी ये 5 पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव मिला के 6 पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव से जो है 6 नेगेटिव कैंसिल होकर ओवरऑल ज़ीरो आ गया। यानी नाइट्रोजन के ऊपर क्या था चार्ज, वो हमें पता चल गया कितना, नाइट्रोजन पर HNO3 में +5 है। नेक्स्ट हम NO में चेक करें तो NO में क्या होता है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, याले नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। यानी NO के नाइट्रोजन का हमें पता चल गया इस पर क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। अब हम N2 पर आएँ तो N2 पे हम जानते क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही बंधा, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी ये बॉन्ड तीनों ना इधर जा पाएंगे ना इस नाइट्रोजन की तरफ जा पाएंगे, यानी दोनों नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, शून्य होगा, ज़ीरो। यानी यहाँ पर N2 के ऊपर चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। यानी हमारा थर्ड नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। अब हम हमारे लास्ट NH4Cl पर आए तो NH4Cl पर क्या होगा, क्लोरीन पर हम जानते हैं HCl वगैरह से टूटता है, ठीक। इस पर एक नेगेटिव, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, यानी जनरली Cl पर हमने देखा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमारे एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है तो चार हाइड्रोजन पे क्या हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव। और अभी मैंने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है तो ओवरऑल ज़ीरो होना चाहिए, वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव भी होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव आना चाहिए। तो ये देखो 3 नेगेटिव और एक नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव और इधर ये 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव से 4 पॉजिटिव कैंसिल होकर ओवरऑल NH4Cl ज़ीरो हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन पे हमको कितना मिला, 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, किस पे, NH4Cl पर, हमारे फोर्थ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट वाले A को चेक करा तो यही हमारा आंसर निकल आया है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो सबसे ज़्यादा +5 HNO3 के नाइट्रोजन की हो गई, उससे कम फिर क्या होगा, जो है सेकंड वाले NO के
नाइट्रोजन पर, ठीक है, हमने नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए निकालना है, तो इस पर टू पॉजिटिव है यानी कम हुआ पॉजिटिव, फिर हम जीरो की तरफ आ गए, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं हम, और यहाँ से हम माइनस एन थ्री की तरफ चले गए, यानी हमारा जो है ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।